अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल डिजिटल साइट। सो आज हम एबिलिटी सीरीज के टॉपिक परसेंटेज का प्रॉब्लम नंबर 11 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सवाल है कि मिस्टर फहीम हैज डिनर विथ हिज फैमिली एट अ रेस्टोरेंट विच ऑफर्स 10% डिस्काउंट ऑन फूड। ठीक है जी, मिस्टर फहीम ने डिनर किया है अपनी फैमिली के साथ किसी रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे 10% जो है उनको डिस्काउंट मिला है जो खाना है उस पर। ठीक है, जो प्राइस थी एक्चुअल, जो मार्केट प्राइस थी फूड पे, या फिर जो आप ये कह सकते हैं जो मेन्यू पे जो प्राइस थी, वो जो टोटल प्राइस थी उस हिसाब से टोटल करें उसका, तो 15,000 हो रहा था। उसके ऊपर उसको डिस्काउंट मिला था 10% का। उसके अलावा जो है सर्विस चार्जेस उनके जो ऐड हुए थे वो थे 10%, और जीएसटी जो था वो 17% था। तो बताना ये है कि टोटल अमाउंट उन्होंने पे कितना किया। ठीक है, तो मार्केट प्राइस ऑफ द फूड वही जो हमने लिखा हुआ है, ये हमारा गिवन है 15,000। डिस्काउंट ऑफर्ड बाय रेस्टोरेंट था 10%। उसके अलावा सर्विस चार्जेस थे 10% एंड जीएसटी चार्जेस 17% थे। ठीक है, तो फाइंड करते हैं अमाउंट फहीम हैज टू पे, इतना उन्होंने पे किया। अच्छा, तो फार्मूला ये है कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी हमें फाइंड करना है, ये वाला पोर्शन फाइंड करना है हमें। ठीक है, मार्केट प्राइस ऑफ द फूड जो कि हमें गिवन है, ये वाली एग्जैक्ट हम ये वाली लिखेंगे। ठीक है, डिस्काउंट ऑन द फूड मतलब कि डिस्काउंट का परसेंट मिला, डिस्काउंट कितना मिला ये नहीं पता हमें। सर्विस चार्जेस भी परसेंट पता है, सर्विस चार्जेस नहीं पता, जीएसटी भी नहीं पता। ठीक है, लेकिन ये एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ये नहीं करना है कि 10% डिस्काउंट है तो उसको इस तरह से करके 15,000 से डल करके कर लेंगे। इसको तरीका होगा डिस्काउंट ऑन द फूड है मतलब कि पहले बिल आया, लाइक अगर 15,000 बिल आया है, ठीक है, तो इसके ऊपर 10% डिस्काउंट हुआ है। सही है, उसके बाद ठीक है सर्विस चार्जेस आफ्टर डिस्काउंट, सर्विस चार्जेस यहाँ पे लगी है। ठीक है, ये चीजें याद रखने की लगती है, और उसके बाद जितनी सब जाती होती है उसके बाद जीएसटी बनता है एंड में। क्वेश्चन में सही से प्रॉपर लिखा नहीं हुआ, लेकिन अगर हम बिल किसी को भी उठा कर देखें तो उसमें इसी तरीके से होता है। ठीक है, हर बिल में ऐसी होता है, पहले सारी प्राइस लिखी होती है, उसके बाद उस पर पर्सन होता है डिस्काउंट का, उसके बाद सर्विस की चार्जेस होती है, उसके बाद जीएसटी लगता है उस पर। ठीक है, तो सॉल्यूशन अब हम करते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू तो मिली हुई है एग्जैक्ट, लेकिन डिस्काउंट ऑन द फूड कितना ये हमें नहीं पता, तो हमने जो है ये लगाया है। ये देखिए, ये है 10% ऑफ रुपीज 15,000। ठीक है, 10% क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये दी हुई ये पहली वैल्यू है। ठीक है, जितना ये बिल आया था ये 15,000। ठीक है, इस पे हमें जो है 10% जो है हमें डिस्काउंट मिला, तो 10% का मतलब है सिंपल हमने इसको ऐसे किया डिवाइडेड बाय 100, इन दोनों को जो है वो कट कर देंगे तो 150 और एक जीरो, ये तो ये 1500 जो है ये इस पे डिस्काउंट है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इस डिस्काउंट को माइनस कर लेंगे इसमें से, तभी हम सर्विस चार्जेस फाइंड कर सकते हैं, ऐसे फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद जो है डिस्काउंट ऑन फूड, ठीक है, डिस्काउंट ये वाला जो है ये वाली वैल्यू जो है ये वाली, हम इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से माइनस कर देंगे। ठीक है, अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट क्या होगा, ये जो मार्केट प्राइस है इसको माइनस कर देंगे 1500 से जो हमें ये वाला मिला। ठीक है, तो ये माइनस करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। इसको करके भी देख लेते हैं, ये हो जाएगा 1, ये 5, यहाँ पे ये 0 0, ये 2 0 तो सेम हो जाएंगे, यहाँ पे 4 कट करके 4 लिखते हैं, यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 5, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1300। अब सारे पे सर्विस चार्जेस लगेंगे, ये वो जो आंसर आया है। ठीक है, ये देखिए
अब 10% डिस्काउंट जो है सर्विस चार्जेस है, मतलब कि जिस चार्जेस लगे हैं उस पे हटाए नहीं गए, तो उसका मतलब है कि ये वाले जो चार्जेस हैं ये वाले हम अब फाइंड करेंगे इसमें से। 13500 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, ये जीरो इससे कट हो जाएंगे, ये जीरो इससे कट हो जाएंगे, 135 × 10 तो ये 1350 हो जाएगा। अब जो ये वाला आंसर आया था पहले, हम इसको इसमें ऐड कर लेंगे, क्यों? क्योंकि सर्विस चार्जेस ऐड होंगे, ये नहीं होगा कि माइनस होगा, डिस्काउंट माइनस होता है लेकिन सर्विस चार्जेस मतलब और लगे हैं इस पे, तो इस वजह से हम इन दोनों को आपस में प्लस कर लेंगे, तो ये तो वही सेम है, यहाँ पे 1350, ये 0, यहाँ पे 5, ये 3 और ये 1, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 5, यहाँ 8, यहाँ 4, यहाँ 5, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब इसके बाद जो है, जो ये आंसर आया ये वाला, ठीक है, ये वाला, इस पे ही जीएसटी लगेगा, तो 17% जीएसटी लगा है इस पे। अब लगाते हैं 17% जीएसटी, 17 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा 14850, इसको यहाँ पे कट कर लेते हैं, ठीक है, इस पे 5 का टेबल थोड़ा सा लग रहा है अभी, तो 5 2 10 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 5 2 10, यहाँ पे 4 आ गया, तो 4 यहाँ पे, 5 9 45, 3 यहाँ पे लगा दें, तो ये 5 7 35, ठीक है। अब इन दोनों को, इनको उसको आपस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उससे डिवाइड कर लेंगे, तो 2 9 7, ये 7 7 49, 7 9 7 7 9 63, 64 65 66 67, तो ये हो जाएगा 67, 7 2 14, 15 16, 17 18 19 20, ये हो जाएगा 20। अब ये 1 7 7, 1 9 9, 2 1 2, ये हो जाएगा 9 14, ये हो जाएगा 0 1, और ये हो जाएगा 5। अब इसको करेंगे डिवाइड हम 2 से, एक बार मैं लिख लूँ, 5 0 4 9, इसको लगाएंगे 2 का टेबल, तो 2 2 4, यहाँ बचा है 1, यहाँ पे 0, ये है 2, ये 2 5 10, इसके बाद 4 नीचे उतारेंगे, तो 2 2 4, यहाँ 0, उसके बाद 9 उतारेंगे, 2 4 8, यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट, तो ये आ जाएगा 0, तो यहाँ पे 2 5 10, तो ये फुल डिवाइड हो गया, तो ये वही सेम आंसर जो है। सही, इसका शॉर्टकट भी होगा एक तरीका, अगर इतना बड़ा डिवाइड नहीं करना है आपको, तो ये तो हम सिंपल से इसको इस तरह से कर सकते हैं, 5049 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं, 2 1 2, 2 2 4, इस पे 1, 2 5 10, और यहाँ पे 2 2 4, और 2 4 8, और यहाँ पे एक गया है ना, तो इस तरह से इमेजिन कर लें कि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो एक बचा है, तो यहाँ पे लगा दे, यहाँ पे पॉइंट लगा दे, और यहाँ पे साइन, ठीक है, तो ये वाला वही सेम आंसर हो जाएगा इसका, तो ये सेम है, ये 0 को कोई वैल्यू नहीं है वैसे, ठीक है, ये आपस में इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि मिस्टर फहीम को जो है इतने पैसे पे करने पड़े रेस्टोरेंट में, इवन जब उनको डिस्काउंट भी पड़ा उसके बावजूद भी, क्योंकि सर्विस चार्ज और जीएसटी मिला के ये बिल बना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो,
Thanks for watching. Subscribe us for more of our videos. Thank you.